बिल्कुल अगेन दोस्तों, एक दवा के बारे में बात करेंगे, लीवोसिट एम। ये एक टैबलेट है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या उपयोग है, कितना खानी है, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कितने की मिलती है, क्या सावधानी रखना है। लीवोसिट एम काफी पॉपुलर है। ये लीवोसिट एम ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, एक है लीवोसिट्रिजिन और दूसरा है मोन्टे लूकास। तो ये दो दवाइयां हैं और ये दोनों दवाइयां मिलके फिर शरीर में अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करती है। तो बेसिकली ये लिवोसिट एम जो है वो एलर्जी की दवा हो गई। अब इसके अंदर जो लिवोसिट्रिजीन है वो जो हिस्टामिन है उसके रिलीज को रोकती है, तो वो एंटी एलर्जिक जैसा काम करेगी। और जो मोंटी लुकास्ट है वो ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट होता है। तो ये जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे शरीर में सूजन को कराते हैं या पानी भरता है, पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको ये कम करता है। सो बेसिकली ये लिवोसिट्रिजिन और मोंटे लुकास्ट मिलके ये एलर्जिक कंडीशन में काम आएंगे। तो अगर ये टेबलेट के यूज की बात करें कि अगर आपको लिखा गया है या दवा किस काम आती है, तो आपके शरीर में अगर एलर्जी के सिम्टम्स हैं जैसे कि नाक का बहना या नाक का ब्लॉक होना, इसके अलावा छींक आना या शरीर में खुजली होना, स्किन में खुजली हो सकती है, आंखें लाल पड़ सकती हैं, कंजस्टेड आई जैसे हम लोग वाटरी आई बोलते हैं, आंखों से ज़्यादा पानी आता है, तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। स्पेशली जैसे लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है कि सुबह सुबह उठते हैं तो ठंड लगने से या कोई पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, उससे नाक बहती रहती है, तो उस कंडीशन में ये दवा लिखी जाती है। और इसके अलावा ये किसी भी तरह की एलर्जी हो, स्किन की एलर्जी चाहे किसी दवा खाने से हो जाए या कीड़े के काटने से हो जाए या किसी वस्तु से हो जाए, कपड़ा पहनने से हो जाए या कोई और सरफेस से हो जाए, अगर आपके शरीर में एलर्जी हो रहा है, बेसिकली खुजली रैशेस वगैरह हो रहे हैं, तो उस केस में ये लीवोसिट एम काम में आएगी क्योंकि ये एलर्जी की दवा है। कितनी खानी है, डोज की बात करें तो ये जो टेबलेट है दिन में सिर्फ एक ही खाना है, क्योंकि लिवोसिट्रिजिन होता है क्या, इसमें 5 मिलीग्राम होता है। तो एडल्ट के लिए, एडल्ट वैसे लोग जो 12 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए 5 मिलीग्राम एक दिन की डोज होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से लेके 12 साल के बीच में, उनमें डोज आधा हो जाती है। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए लिवोसिट एम नहीं बल्कि लिवोसिट एम किड नाम से भी आते हैं, उसमें आधा डोज रहती है। तो बहरहाल ये है कि दिन में आपको एक बार खाना खाने के बाद ले लेना है, ये डोज रहती है। कुछ कंडीशन हो सकता है, कोई 2 बार भी एडवाइज कर सकते हैं, या हल्की समस्या हो तो आधी भी खाएं तो काम हो जाएगा। अब बहरहाल इसे साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसके, जैसे अगर आप एक बार खाते हो या 2 4 दिन खाते हो तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आते। जो साइड इफेक्ट आते हैं वो टेम्परेरी है, जब तक आप खाओगे तब तक रहेंगे, दवा बंद होगी तो चले जाएंगे। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट आता है मुंह का सूखना, मुंह सूखता है इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा पानी पिए या चिंगम चबा लें या मुंह में कुछ नींबू वगैरह रख लें, कोई चीज़ चूसते रहें मुंह ना सूखे। और दूसरा, कुछ लोगों में थकान लगना या हल्का सा फ्लू लाइक फीवर जैसा लगना या उल्टी हो सकती है, कुछ लोगों में दस्त लग सकती है, सिर दर्द होना, और कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि थोड़ा सा नींद का आना या लेथार्जी फील होना और चक्कर आना। सारे लोगों में नहीं होता, पर ये लिवोसिट्रिजिन के लेने से कुछ लोगों में हो सकता है कि उनको थकान, आलस, सुस्ती, चक्कर सा आता है। तो ऐसे लोगों को फिर स्पेशली सलाह दी जाती है कि अगर ये दवा आप खाते हैं तो ज़्यादा सतर्क रहें, बेसिकली गाड़ी वगैरह ना चलाएं, कोई ऐसा काम ना करें जो ज़्यादा स्किल्ड वाला हो, या तो आप फिर दवाई चेंज करा सकते हो, लिवोसिट एम की जगह पर फिर दूसरी ले सकते हैं। बहरहाल सावधानी की बात करें तो इसमें 2 3 इम्पोर्टेंट सावधानी है। एक तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप ड्राइविंग ना करें या कोई ऐसा मशीनरी का काम जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में जिनमें इसमें लेथार्जी या नींद का आना या थोड़ा सा चक्कर लगना, सुस्ती लगना ऐसा होता है, तो उस केस में अवॉइड की जाती है। और ये दवा खाएंगे तो एल्कोहल भी नहीं लेना, एल्कोहल लोगे तो आप वही सेम कंडीशन है कि ज़्यादा आपको जो चक्कर आने की समस्या है, लेथार्जी है, नींद का आना, ये ज़्यादा हो सकता है। और ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिला रही हैं उनको भी नहीं लेना, क्योंकि ये बेबी के अंदर ये दवा चली जाएगी, ब्रेस्ट में सिक्रिट होती है बेसिकली मिल्क के थ्रू। और अगर किसी को सीवियर किडनी की बीमारी है, देखिए शुरुआती किडनी की बीमारी हल्की फुल्की है तो उसमें ले सकते हैं, लेकिन सीवियर किडनी की डिजीज में फिर इसके डोज को एडजस्ट करा जाता है या तो नहीं दिया जाता। अब लीवोसिट एम की प्राइस की बात करें तो ये एक टेबलेट लगभग आपको 10 रुपये की पड़ेगी, कि 100 रुपये की 10 टैबलेट आएगी। तो ये लीवोसिट एम हो गया। ऐसे एक लीवोसिट डी भी करके आता है,
अब लीवोसिट डी का मतलब क्या है, इसमें भी दो दवाइयां होंगी और ये भी लगभग एलर्जिक कंडीशन में ही काम आएगी, लेकिन इसमें लीवोसिट्रिजिन होता है 5 मिलीग्राम और साथ में जो डी है वो बेसिकली डिकंजेस्टेंट है, डिकंजेस्टेंट मतलब फिनाइलएफ्रीन है, तो इसमें मोंटेलुकास नहीं बल्कि फिनाइलएफ्रीन है 10 मिलीग्राम जो कि डिकंजेस्टेंट जैसा काम करता है। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनमें ज्यादा नाक बह रही है उसमें ये ज्यादा असर कारक रहेगी, मतलब एलर्जी हो रही है और साथ में नाक ज्यादा बह रही है जैसा कि एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में होता है, तो उसमें लीवोसिट डी दिया जा सकता है। तो ये लीवोसिट एम टेबलेट के बारे में जानकारी है, क्योंकि इंडिया में बहुत यूज होती है इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा इस दवाई के बारे में जानकारी आप लोगों को दे दूँ। धन्यवाद।